नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लीन यूआरएल की, जो कि एसईओ फ्रेंडली होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूआरएल एलियास की, जो कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे अबाउट अस में जाते हैं तो ये जो यूआरएल जो क्रिएट हो रहा है, ये नोड स्लैश 4, ये इस टाइप से क्रिएट हो रहा है जो कि एसईओ फ्रेंडली भी नहीं है और एक तरीके से अच्छा भी नहीं लगता है कि हमने अबाउट अस पे क्लिक किया और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि यूआरएल देख के हमें पता चल जाता है कि किस पेज का यूआरएल होगा ये। तो जनरल सी बात है, तो ये इस टाइप का पैटर्न ना बनाए, इसके लिए हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अपनी थीम चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कि ये एक छोटी सी स्क्रीन में अगर सब कुछ दिखाई दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं इस समय ये थीम चेंज करने के लिए अपीरेंस में आप जाएं, और इस समय जो आपकी डिफ़ॉल्ट थीम चल रही है वो ये है, आप जो ड्रूपल 7 बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम देता है उसको यूज़ करने के लिए ये इस पे क्लिक कर दें, सेट डिफ़ॉल्ट। ये देखिए थीम चेंज हो गई आपकी, जब आप ड्रूपल इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही थीम आपको मिलती है। चलिए बात करते हैं यूआरएल एलियास की। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जो हमने ये पेज बनाया था अबाउट अस का, तो इसका जो यूआरएल जो बना है वो नोड स्लैश 4। दोस्तों, ड्रूपल 7 की ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि ये अपने सिस्टम में इसी टाइप से ये अपने पेजेस को या किसी टाइप के कंटेंट को या नोड को, ये इस टाइप के नोड क्रिएट करता है, उसकी आईडी बना देता है। तो इस पैटर्न को अगर हम चेंज करना चाहें तो इसके लिए हमें एडिट पे जाना चाहिए, URL पाथ सेटिंग पे। अब यहाँ पर आप जो URL एलियास सेट कर देंगे, अबाउट, जैसे अबाउट अस का है तो अबाउट अस सेव कर दें। देखिए दोस्तों, ये चेंज हो गया, अबाउट अस का पेज का जो URL पैटर्न था वो चेंज हो गया। अब मैं अगर इसमें होम पे जाता हूँ और फिर अबाउट अस पे जाता हूँ, तो अब ये अबाउट अस का URL लेके आ रहा है, जो कि हमने इसका यूआरएल एलियास सेट कर दिया। दोस्तों, अगर अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक और कंटेंट ऐड करते हैं और उस बेसिक पेज ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट्स एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, मेन्यू प्रोवाइड करा देते हैं, वेट सेट कर देते हैं, 4 कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो यूआरएल जो बना वो वैसे ही बना, नोड स्लैश जो ड्रूपल के अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बना। दोस्तों, अगर हम चाहें कि हम कुछ भी अगर पेज क्रिएट करें या किसी टाइप का नोड क्रिएट करें, तो वो हमारे दिए हुए पैटर्न के हिसाब से उसका यूआरएल बने, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे, उसका नाम है पाथ ऑटो, जिससे जो हम पैटर्न सेट कर देंगे तो उसी हिसाब से वो अपने यूआरएल एलियास सेट करके बना देगा। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने यूआरएल एलियास क्रिएट किया, अगर इसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएं, सर्च एंड मेटा डेटा के अंदर, यूआरएल एलियास के अंदर, देखिए जो हमने अभी यहाँ पर अबाउट अस के लिए क्रिएट किया था यूआरएल एलियास पेज के लिए, ये वहाँ पे अपने सिस्टम की ये इसके एलियास हैं, जो हमने एलियास सेट किए थे वो ये हैं। दोस्तों, आप जितने भी एलियास क्रिएट करेंगे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सारी लिस्ट बन जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो दोस्तों, ये था कि अगर आपको कोई यूआरएल एलियास सेट करना है तो वो किस टाइप से सेट कर सकते हैं, इस वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑटोमेटिक यूआरएल सेट हो जाए, जब अभी जैसे एग्जांपल के लिए हमने प्रोजेक्ट ऐड किया तो इसका फिर से वही यूआरएल बना, और फिर अगर बार बार हम वही काम रिपीट करेंगे, एडिट करेंगे, तो वो अच्छा नहीं है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑटोमेटिक कैसे यूआरएल सेट हो जाए, जो हम जिस टाइप का भी पैटर्न दें, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
दोस्तों, अगर आपको जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ Drupal 7 हिंदी में, आपको अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट छोड़िए, हम रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।